हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान ने कमर कस ली है। देखिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। एक पत्र जारी किया गया है लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उस पार्टी की तरफ से, जिसमें साफ संकेत दे दिया गया है कि 16 जनवरी से, जी हां, मकर संक्रांति के दो दिन के बाद हाजीपुर में एक बड़ा जनसभा की शुरुआत की जाएगी। और यह ऐसा नहीं है कि एक दिन चलेगा, बल्कि यह एक महासभा होगा जिसमें हाजीपुर में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो कोर एजेंडा है चिराग पासवान का, उनकी पार्टी का, उसको लेकर जनसभा आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले वो पत्र आपको हम दिखाते हैं जो पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, और फिर आगे चिराग की क्या रणनीति हो सकती है इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए जो पत्र जारी किया गया है उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनके तरफ से यह पत्र है जिसमें कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2024 को स्थान अक्षयवट राय स्टेडियम हाजीपुर, समय 12:15 को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महासभा कार्यक्रम आयोजित है। उक्त संकल्प महासभा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सम्मानित साथीगण से अनुरोध है कि अपने साथ अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो। राजू तिवारी, तो आप समझिए इस बात को कि हाजीपुर में 16 जनवरी से ये एक महाअभियान शुरू होने जा रहा है। और हाजीपुर के बारे में अगर बात करें तो हाजीपुर को लेकर एक खींचातानी जो है चाचा भतीजे के बीच, पशुपति कुमार पारस जो कि हाजीपुर से मौजूदा सांसद है और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच लगातार चल रहा है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि 2020 के 8 अक्टूबर को जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव जिसमें चिराग ने एक अलग रास्ता पकड़ा, अलग चुनाव लड़ा, और उसके बाद से ही चाचा भतीजे के बीच खींचतानी शुरू हो गई, तकरार शुरू हो गया, अंतोगत्वा पार्टी टूटी, पार्टी के 5 सांसद जिसमें पशुपति कुमार पारस भी थे वे अलग हो गए, चिराग अकेले पड़ जाते हैं, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से पशुपति कुमार पारस एक पार्टी बनाते हैं और लोजपा रामविलास यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से चिराग पासवान अपनी पार्टी बनाते हैं। उसके बाद से बिहार में राजनीति का पासवान परिवार में 2 ध्रुव बन गया, एक पारस का एक चिराग का। चिराग लगातार काम करते रहे और बीते छह महीने से चिराग पासवान लगातार हाजीपुर को लेकर दावा कर रहे हैं। 18 जुलाई की तारीख भी हमें याद है जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया था, एनडीए में हाथ पकड़कर शामिल कराया था। इसका साफ मतलब था कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को ग्रीन सिग्नल मिला था। चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है वो बीते 2-2.5 सालों में काफी आगे बढ़ा है, बिहार में उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा है और इसका कारण उनकी जमीनी राजनीति रहा है। लगातार चिराग पासवान बिहार में भ्रमण करते हैं, लगभग सभी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कोई ना कोई हादसा होता है या कहीं कोई खुशखबरी होती है, सभी जगह चिराग पासवान मौजूद रहते हैं। अब देखिए हाजीपुर की अगर बात करें तो हाजीपुर से 8 बार सांसद चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान रह चुके हैं। 2019 में रामविलास पासवान ने अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस पर भरोसा जताया, उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया, पारस जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद रामविलास पासवान के निधन के बाद वे बगावती सुर अपनाते हैं, पार्टी और परिवार को तोड़ देते हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान प्रतिबद्ध है कि हाजीपुर से उन्हें चुनाव लड़ना है। और जहां तक हाजीपुर की बात है, जो वहां की आम जनमानस की चाह है वो भी चिराग पासवान के साथ ही दिखता है। तो इसको लेकर 16 जनवरी को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट महासभा का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही हाजीपुर के मतदाताओं को, जो वोटर्स हैं वहां के, उनको गोलबंद करने के लिए, लामबंद करने के लिए चिराग की पार्टी जो है वो भी प्रयासरत होने वाली है। इसके संकेत लंबे समय से मिल रहे थे। आप इसे इस तरीके से भी समझिए कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा इस पर अभी चिराग कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन चिराग पिछले 6 महीने में कभी भी इस बात से मुकरे नहीं है कि हाजीपुर से उनका प्रत्याशी या वो खुद नहीं लड़ सकते हैं। बार बार हाजीपुर जाना, चाहे रामविलास पासवान की पुण्यतिथि हो, जयंती हो, हाजीपुर में कहीं भी कोई बड़ा या छोटा कार्यक्रम होता है चिराग जरूर जाते हैं। तो हाजीपुर पर एक जो वर्चस्व की लड़ाई है चाचा भतीजे के बीच, इसमें चाचा को शिकस्त देने के लिए चिराग पासवान जो है वो कमर कस रहे हैं, उनकी पार्टी कमर कस रही है। अब वहां से कौन लड़ता है? रीना पासवान लड़ती है जो कि चिराग पासवान की माँ है, या पार्टी का कोई अन्य प्रत्याशी लड़ता है? ये भविष्य के गर्भ में, हालांकि वो रिजर्व सीट है। आपको बताएं कि हाजीपुर जो है वो रिजर्व सीट है और वहां से लोजपा रामविलास की दावेदारी सबसे प्रबल है। हालांकि देखिए बीजेपी अभी तक इस मसले में इंटरफेयर नहीं की है, हस्तक्षेप नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन यह कयास बार बार लगाया जाते रहा है
कि ये सबसे बड़ा दावेदार वहां पर कोई है तो वो खुद चिराग पासवान है, और चिराग पासवान ने इसे साबित करने के लिए 16 जनवरी से चूड़ा दही खाकर कमर कसकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट महासभा करने जा रहे हैं। तो ये पत्र जारी किया गया है लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की तरफ से, और इसको लेकर आज काफी लंबी बैठक भी हुई है चिराग पासवान के आवास पर जो कृष्णापुरी में है, जिसमें पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महासचिव सचिव जो तमाम स्तर के नेता होते हैं वे सभी बैठे थे। इसे लेकर मंथन भी हुआ है और इसके बाद ये तय किया गया है कि 16 जनवरी से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जो एक एक जो स्लोगन है, एक जो कोर एजेंडा है पार्टी की, उसे अब हाजीपुर में जो आम जनता है, जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, उनके बीच इसे पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।